नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी F13। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या फिर परचेस करने वाले हो, तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे, आपको चेंज करनी है ये 15 सेटिंग्स। ये वही 15 सेटिंग्स है जो मैं हमेशा अपने सैमसंग के सभी फोन में चेंज करता हूं, सबसे पहले सेटअप कंप्लीट होने के बाद, ताकि मैं अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज कर सकूं। तो अगर आप भी एक प्रो यूजर की तरह अपने फोन को यूज करना चाहते हो, तो आपको चेंज करनी है ये 15 सेटिंग्स। ये कौन सी 15 सेटिंग्स है, हम देखेंगे वन बाय वन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका फोन स्लो है और आपको उसे फास्टर करना है, तो आप अपने यूआई को फास्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर टैप करना है, बिल नंबर पर आपको लगातार 7 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको अपना पिन या पासवर्ड एंटर करके बैक आना है सेटिंग्स में, और आपको सबसे लास्ट में मिलेगा ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस का, इससे आप ओपन कीजिए और आपको नीचे आना है। आपको मिलेंगे ऑप्शंस एनिमेशन स्केल के, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। आपको इन सभी को 0.5x पे सेट करना है, 0.5x, 0.5x और 0.5x। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, और आपको ये जो ऑप्शन है टच सेंसिटिविटी, इसे ऑन करना है। इसके बाद आपका फोन पहले से फास्टर हो जाएगा। आप नोटिस करोगे, जब आप इन सेटिंग्स को चेंज करोगे, तो आप तुरंत जो चेंज है नोटिस कर पाओगे अपने फोन में, आपका फोन पहले से ज्यादा फास्टर हो चुका होगा। दोस्तों, अगर आप अपने फोन में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, मोशन एंड जेस्टर्स में, और ये जो दोनों ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इन दोनों को आपको ऑन करना है। इसके बाद आप डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का जो फीचर है उसे यूज कर पाओगे अपने फोन में। दोस्तों, आपने अपने फोन में एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपको ब्राइटनेस को एडजस्ट करना हुआ, तो आपको दो बार स्वाइप करना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का स्लाइडर शो नहीं करेगा, आपको दोबारा स्वाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्राइटनेस बार मिलेगा और आप यहां से उसे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक बार स्वाइप करके ही मुझे ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिले, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहां पे थ्री डॉट पे टैप करना है, क्विक पैनल लेआउट पे टैप कीजिए, ब्राइटनेस कंट्रोल पे टैप कीजिए और यहां पे कीजिए शो ऑलवेज को सिलेक्ट, और बाद में आपको करना है डन। इसके बाद आप देखोगे, अब मैं एक स्वाइप करूंगा तो ब्राइटनेस बार यहां पे शो करेगा, मुझे दो बार स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार स्वाइप करूंगा और यहां पे ब्राइटनेस स्लाइडर आ जाएगा और मैं यही से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकता हूं। दोस्तों, आपने एक चीज गौर की होगी, अगर आप अपने फोन को अनलॉक करते हो पिन के जरिए, तो जब तक आप ओके पे टैप नहीं करते, तब तक आपका फोन अनलॉक होता नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने अपना पिन एंटर कर दिया है, लेकिन मेरा फोन अनलॉक हुआ नहीं, क्योंकि मैंने ओके पे टैप नहीं किया है। तो ओके पे टैप करूंगा तभी मेरा फोन अनलॉक होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप बिना ओके पे टैप किए फोन को अनलॉक करना चाहते हो, जैसे आप पिन एंटर करो वैसे आपका फोन अनलॉक होना चाहिए बिना ओके पे टैप किए, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, स्क्रीन लॉक टाइप पे टैप कीजिए, अपना पिन एंटर कीजिए, नेक्स्ट पे टैप कीजिए, पिन पे टैप कीजिए और यहां पे जो सर्कल है उस पर टिक कीजिए, और यहां पे अपना सेम पिन एंटर कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, पिन कंफर्म कीजिए, ओके कीजिए। इसके बाद आपको अब ओके पे टैप नहीं करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैं अपना पिन एंटर करूंगा तो मेरा फोन अनलॉक हो जाएगा बिना ओके पे टैप किए। इस तरीके से आप क्विकली अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा, तो आपने एक चीज गौर की होगी कि आप जब फेस अनलॉक से अपने फोन को अनलॉक करते हो, तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो लॉक ओपन हो चुका है, लेकिन आपको स्वाइप करना पड़ता है तब जाके आपका फोन अनलॉक होता है पूरी तरीके से। मतलब कि जब तक आप स्वाइप नहीं करोगे, तब तक आप इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे ही रहोगे। लेकिन आप चाहते हो कि आपका फोन स्वाइप किए बिना ही पूरी तरीके से अनलॉक हो जाए, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, फेस रिकॉग्निशन में, और ये जो ऑप्शन है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप, आपको इसे करना है डिसेबल। इसके बाद आप देखोगे, अब मुझे स्वाइप नहीं करना पड़ेगा फेस अनलॉक करने के बाद, अब मेरा फोन डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा, आप देख सकते हो।
तो आप बिना स्वाइप किए फेस अनलॉक का यूज कर सकते हो। दोस्तों सैमसंग के फोन में अगर कोई भी कॉल आता है तो कॉलिंग स्क्रीन पे उस कॉन्टैक्ट के नाम के नीचे नंबर भी शो करता है, लेकिन आप चाहते हो कि नंबर शो ना करे, केवल कॉन्टैक्ट का नाम ही शो करे, तो आप जो नंबर है उससे हाइड कर सकते हो कॉलिंग स्क्रीन पे। तो आपको जाना है फोन ऐप में, सेटिंग्स पे जाइए, अदर कॉल सेटिंग्स पे टैप कीजिए और ये जो ऑप्शन है शो कॉन्टैक्ट्स नंबर्स इन कॉल्स, आपको इसे डिसेबल करना है। इसके बाद कॉलिंग स्क्रीन पे केवल कॉन्टैक्ट का नाम ही शो करेगा, कॉन्टैक्ट के नाम के नीचे नंबर शो नहीं करेगा। दोस्तों अगर आप उनमें से हो जो ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं, रात भर चार्जिंग करते हैं 5-6 घंटे के लिए, तो आपको मिलता है एक ऑप्शन जिसके जरिए आप अपने फोन को प्रिवेंट कर सकते हो ओवर चार्ज होने से। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में, बैटरी में मोर बैटरी सेटिंग्स में आपको मिलेगा एक ऑप्शन प्रोटेक्ट बैटरी का। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपका फोन हमेशा 85% ही चार्ज होगा, 85 के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं होगा। तो आप इस तरीके से अपने फोन को ओवर चार्ज होने से प्रिवेंट कर सकते हो। जब आप रात भर चार्जिंग करते हो तब भी आपका फोन हमेशा 85 पे ही चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। दोस्तों सैमसंग के वन यूआई में कई सारे जगह में है ब्लर इफेक्ट, जैसे कि क्विक पैनल में है ब्लर इफेक्ट, रिसेंट एप्स में है ब्लर इफेक्ट बैकग्राउंड में, और जो ऐप ड्रॉअर है उसमें भी है ब्लर इफेक्ट, आप देख पा रहे हो। ब्लर इफेक्ट को अगर आप ऑन रखते हो तो उससे क्या होता है, उससे बैटरी ज्यादा यूज होती है और आपका यूआई स्लो होता है। तो आपको अगर इसे डिसेबल करना हुआ तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो केवल वन टैप में। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, विजिबिलिटी एनहांसमेंट में, और ये रहा ऑप्शन रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे अब जो क्विक पैनल है इसमें ब्लर इफेक्ट नहीं है, रिसेंट एप्स में भी ब्लर इफेक्ट नहीं है बैकग्राउंड में, और जो ऐप ड्रॉअर है उसमें भी ब्लर इफेक्ट आपको नहीं देखने मिलेगा। इस तरीके से आप वन टैप में ब्लर इफेक्ट को ऑफ कर सकते हो अपने यूआई में से। दोस्तों कई सारे एप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आप देख पा रहे हो ये है इंस्टाग्राम। तो अगर मैं इसे ओपन करना चाहूं स्प्लिट स्क्रीन में तो यहां पे ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि प्ले स्टोर की बात करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे हो स्प्लिट स्क्रीन भी है और पॉपअप व्यू भी है, लेकिन इंस्टाग्राम को मैं स्प्लिट या पॉपअप व्यू में ओपन नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए भी सॉल्यूशन है। तो अगर आप किसी भी ऐप को मल्टी विंडो में ओपन करना चाहते हो तो आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैप्स में, और ये रहा ऑप्शन मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद जो भी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते वो भी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट करने लगेंगे। जैसे कि आपको पता होगा इंस्टाग्राम पहले यहां पे जो मल्टी विंडो के ऑप्शंस थे वो शो नहीं होते थे, लेकिन अब यहां पे आपको स्प्लिट व्यू भी मिलेगा और पॉपअप व्यू भी मिलेगा। तो आप इंस्टाग्राम को मल्टी विंडो में भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। फिर चाहे कोई भी ऐप हो, आप किसी भी ऐप को मल्टी विंडो में यूज कर सकते हो उस ऑप्शन को ऑन करने के बाद। लॉक स्क्रीन पे आपको मिलते हैं दो शॉर्टकट्स और आप अपने हिसाब से इन्हें चेंज भी कर सकते हो। आपको जिन्हें ऐड करना है उन शॉर्टकट्स को, उन एप्स को आप यहां पे ऐड कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से उन्हें एक्सेस करने के लिए। तो इन्हें चेंज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, शॉर्टकट्स पे टैप कीजिए, और मैं चाहता हूं लेफ्ट साइड में यहां पे टॉर्च शो करे तो लेफ्ट में करूंगा टॉर्च, तो टॉर्च पे टैप कीजिए, और राइट में मुझे कैमरा रखना है तो आप कैमरा या कोई भी ऐप यहां पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहां पे चेंज कर दिया है। अब अगर मैं टॉर्च को यूज करना चाहूंगा लॉक स्क्रीन से ही तो मैं आसानी से अब इसका यूज कर सकता हूं इस तरीके से, टॉर्च ऑन या ऑफ। दोस्तों आप अगर कभी गेमिंग करोगे अपने सैमसंग के फोन में तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका फोन हीटअप होगा, और जब भी आपका फोन हीटअप होगा तो आपके फोन में जो गेमिंग है उसमें फ्रेम ड्रॉप आपको देखने मिलेगा, मतलब कि गेम लैग करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फोन अगर हीटअप भी होता है फिर भी आपके फोन में गेमिंग में लैगिंग की इश्यू ना हो तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको गेम लॉन्चर को ओपन करना है, फिर 3 बार पे टैप कीजिए, गेम बूस्टर पे टैप कीजिए, और आपको मिलेगा यहाँ पे लैप्स का ये ऑप्शन, इस पे टैप कीजिए, और ये जो ऑप्शन है अल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपको इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद अगर आपका फोन हीटअप भी होगा फिर भी आपके गेमिंग में कोई भी लैगिंग इश्यू आप फेस नहीं करोगे। दोस्तों आप अपने फोन में किसी भी फाइल को शेयर करोगे तो शेयरिंग शीट में अलग अलग एप्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा शेयर जब आप करते हो तो आपको यहां पे मिलेंगे अलग अलग एप्स,
लेकिन यहाँ पे कुछ ऐप्स ऐसे होंगे जो आपके कुछ काम के नहीं है और आप इन्हें यहाँ पे नहीं देखना चाहते, तो आप उन्हीं ऐप्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो ज्यादातर आप यूज करते हो शेयर करने के लिए। तो आपको मोर पे टैप करना है, पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए। अब मान लो मैं यूज करता हूं पिक्चर शेयर करने के लिए या गैलरी माई फाइल्स में इंस्टाग्राम, इसके अलावा ब्लूटूथ मैसेज, जीमेल, प्राइवेट शेयर, फोटोज, तो ये मैंने सेट किए हैं, आपको फिर बैक करना है। अब आपको वही एप्स यहाँ पे शो करेंगे जो आपने सेट किए हैं, उसके अलावा आपको दूसरे एप्स यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो आपको जो एप्स शेयर शीट पे शो करना है उन्हीं एप्स को आप शो कर सकते हो। दोस्तों सैमसंग के फोन में जो फ्लैश लाइट होता है आप उसकी ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो ब्राइटनेस होती है टॉर्च की वो लेवल 3 पे सेट की होती है, लेकिन आप उसे लेवल 5 तक मैक्सिमम ब्राइट कर सकते हो। तो आप अगर जाओगे टॉर्च पे आप इसे ऑन करिए, लेकिन इसकी ब्राइटनेस होगी लेवल 3 पे। तो आपको अगर लेवल 5 पे ब्राइट करना है तो टॉर्च जो लिखा हुआ है टॉर्च वर्ड आपको उस पे टैप करना है और ये है लेवल 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको अब करना है 5 पे। इससे क्या होगा, अब आपके फोन में टॉर्च की ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो आप अलग अलग इन्वायरमेंट प्लेस के हिसाब से जितनी ब्राइटनेस चाहते हो उतनी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो फ्लैश लाइट के लिए। दोस्तों मान लो आप किसी ऐप को यूज कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो और ऐसे में अगर आपको कॉल आता है तो आपको पता होगा डिस्टर्बेंस होगा आपको, क्योंकि जो कॉलिंग स्क्रीन होगी आपको पूरे स्क्रीन में शो करेगी। तो अगर आप चाहते हो कि अगर मैं गेमिंग कर रहा हूं कोई भी ऐप यूज कर रहा हूं तो कॉलिंग स्क्रीन काफी छोटी शो करे मुझे, और जब भी मैं उस कॉल को अटेंड करूं तो वो जो कॉलिंग स्क्रीन है हमेशा छोटी ही रहे कॉल को एंड करने तक, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मिनी कॉलिंग स्क्रीन को आप इनेबल कर सकते हो। उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है फोन ऐप में, सेटिंग्स में, कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग एप्स, और आपको करना है मिनी पॉपअप। मिनी पॉपअप को इनेबल करने के बाद आपको कीप्स कॉल्स इन पॉपअप को भी इनेबल करना है। तो आप देखोगे इसका प्रयोग जैसे शो कर रहा है वैसे ही शो करेगा, और वैसे ही जब भी आप कोई गेमिंग करोगे कोई भी ऐप यूज कर रहे होंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप कॉल भी अटेंड कर पाओगे और आपका जो ऐप या गेम है उसे भी प्ले कर पाओगे। दोस्तों कई बार होता है कि हमें कई सारी आती है नोटिफिकेशन एक साथ और हम बिना देखे सभी को क्लियर कर देते एक साथ, क्लियर ऑल कर देते, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ काम की नोटिफिकेशन यहां से क्लियर कर दी और आपको अब उसे देखना हुआ तो आप क्लियर करने के बाद भी उसे देख सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस में, एडवांस सेटिंग्स में, और जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है उस पर टैप कीजिए। सबसे पहले आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपने जो भी नोटिफिकेशन बिना देखे क्लियर की है आपको यहाँ पे शो करेंगी, आप देख सकते हो, जैसे कि जीमेल की है यहाँ पे भी जीमेल की है। और इतना ही नहीं, अगर कोई बंदा व्हाट्सएप या टेलीग्राम में या सिग्नल में मैसेज को डिलीट करता है सेंड करने के बाद, तो आप उसके जो डिलीट किए हुए मैसेज है उसे भी यहाँ पे रीड कर सकते हो लास्ट 24 आवर्स में। दोस्तों तो ये थी वो 15 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी आपके सैमसंग गैलेक्सी F13 में। अब आप एक प्रो यूजर की तरह अपने फोन को कंट्रोल कर पाओगे, उसे यूज कर पाओगे। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।